हेलो एवरीवन गाइस, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फाइनल टॉपिक के बारे में जो कि है नोमेनक्लेचर। इसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर यानी कि शब्दावली कि हम ऑर्गेनिज्म का नाम किस तरह से रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नाम रखना। और हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम किसका नाम रखेंगे? यहाँ पर जीवों का नाम रखेंगे। और किस तरीके का नाम रखेंगे? उनका साइंटिफिक नेम रखेंगे, ठीक है गाइज। और जो साइंटिफिक नेमिंग जो बताई थी कि भाई हमें साइंटिफिक नेम रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, इसके बारे में बहुत टिप्पणी हुई थी पास्ट में। तो साइंटिफिक नेम रखने की सिग्निफिकेंस यानी कि इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि सभी ऑर्गेनिज्म को एक नाम से जाना जाए, ठीक है गाइज। अगर किसी चीज़ को हम अलग अलग नाम से बुलाएंगे तो वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उसको समझना आसान नहीं है गाइज। मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर है, देखिए मार्कर है मेरे पास। अब इसको मैं तो मार्कर कह रहा हूँ, इसे इंग्लिश में मार्कर कहते हैं, इसको हिंदी में कुछ और कहते हैं, अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग नाम दिया हुआ है। पर अगर कोई इससे एक नाम पूछेगा, भाई इसका एक नाम बताइए जो हर जगह चलता है, तो आप क्या बोलोगे? तो हम क्या करते हैं, हम इंटरनेशनल लैंग्वेज को चेक करते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है, जो इसका नाम इंटरनेशनल लैंग्वेज में सबमिट हुआ पड़ा है हम भी इसे उसी नाम से बुलाएंगे। हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश है, तो हम इसे मार्कर बुलाएंगे। आप मार्कर सर्च करोगे ऑनलाइन तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि साइंटिफिक नेमिंग का जो मेन सिग्निफिकेंस है वो ये है कि किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेनिज्म का अगर हम नाम रखें तो उसको उसी के नाम से जाना जाए और पूरी दुनिया में उसको उसी के नाम से पुकारा जाए। इससे फायदा ये होगा कि हम सब उसके बारे में अच्छी तरह जान पाएंगे। तो जो ये नेमिंग जो थी, साइंटिफिक नेमिंग, ये किसने प्रपोज की थी, कौन लाया था इनको? इनको लाया था कार्लस लीनियस ने। कौन लाया था? कार्लस लीनियस। ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहलाते हैं। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी इन्होंने ही दिया था, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। कार्लस लीनियस क्या लाए थे? नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर कैसा? जिसमें साइंटिफिक नेम हो। और साइंटिफिक नेम किस तरह से अरेंज किए गए थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए साइंटिफिक नेम जो अरेंज किए गए थे वो इस तरह से कहे गए थे कि उसमें जो फर्स्ट वर्ड हो वो जीनस को डिनोट करे, वो जीनस के बारे में बताए, वो जीनस का नाम बताए। और जो सेकंड वर्ड है उसके बाद वो स्पीशीज का नाम बताए। क्या बताए? स्पीशीज का नाम। जैसे कि अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कैट का। किसका? कैट का। कैट को हम बिल्ली कहते हैं, इंग्लिश में इसको कैट कहते हैं, ठीक है गाइज। लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल नेम वो क्या है? फेलिस, FELIS, फेलिस कैटस, ठीक है, फेलिस कैटस। मान लीजिए मैं टाइगर का जो है वो साइंटिफिक नेम लिखना चाहता हूँ, टाइगर का नाम किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है पैंथ्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रिस। उसी तरह अगर मैं लायन का नेम लिखना चाहूँ इंग्लिश में, लायन, उसका लायन का अगर हम साइंटिफिक नेम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? पैंथेरा एज इट इज आ जाएगा, और लियो क्या आ जाएगा? पैंथेरा लियो। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो सेकंड वर्ड है वो स्मॉल स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और जो फर्स्ट वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा? कैपिटल से। तो ये एक रूल है नोमेनक्लेचर का, ठीक है। नोमेनक्लेचर का क्या रूल है कि जो ऑर्गेनिज्म का हम जब नाम लिखेंगे, उनका जब साइंटिफिक नेम लिखेंगे, तो उनका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या लिखा जाएगा? कैपिटल में। और जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को डिनोट करेगा। किसको? जीनस को, यानी कि वंश को, उसके वंश को डिनोट करेगा। उसके बाद जो स्पीसीज का नाम है उसका, ठीक है, वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू किया जाएगा। किससे? स्मॉल लेटर से। और वो स्पीसीज क्या होती है बेटा? नस्ल होती है। स्पीसीज को क्या बोलते हैं? नस्ल बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो फर्स्ट वर्ड डिनोट करता है जीनस को, सेकंड वर्ड करता है स्पीसीज को। अब इसके कुछ रूल थे, चार रूल थे, यहीं पर सुन लीजिए। पहला रूल क्या था कि जो फर्स्ट वर्ड है वो किसको डिनोट करेगा? जीनस को, और एक कैपिटल में लिखा जाएगा। जो सेकंड वर्ड है वो किसको डिनोट करेगा? उसकी स्पीसीज को, उसी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को। मतलब कि साइंटिफिक नेमिंग में हम ओनली जीनस और स्पीसीज को लेते हैं। यहाँ पर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इनसे कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा हम लो लेवल पर आ गए हैं और हम जीनस और स्पीसीज का ही नाम लिखेंगे, उनके वंश का और उनके आप बोल सकते हो नस्ल का नाम लिखेंगे। और जो सेकंड रूल था वो क्या था कि जब हम इनका नाम लिखते हैं, ठीक है, जब हम इनका नाम लिख रहे हैं, नाम लिखते हैं, अगर कंप्यूटर में लिखा जाएगा तो एक इटैलिक्स में लिखा जाएगा पूरा। किस में? इटैलिक्स में। रूल यही रहेगा, फर्स्ट वर्ड तो हमेशा कैपिटल रहेगा, सेकंड वर्ड जो है स्पीसीज का उसका हमेशा स्मॉल रहेगा। ये तो रूल रहेगा ही, लेकिन अगर हम कंप्यूटर से लिखे हैं, बुक्स वगैरह में साइंटिफिक नेम अगर आप देखोगे तो उसमें किस में लिखा होता है? इटैलिक्स में। किस में? इटैलिक्स में। इटैलिक्स करना आता होगा आपको, टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस ए से आप सेलेक्ट करते हो, देन कंट्रोल प्लस आई दबाते हो, इटैलिक्स में हो जाता है। कुछ इस तरीके से होता है इटैलिक, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा होता है ना, उसको बोलते हैं इटैलिक। तो इटैलिक्स में होता है। लेकिन जब हम इसे हाथ से लिखते हैं, अपनी कॉपीज में लिखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे राइट डाउन द
साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, तो आप क्या लिखोगे? साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। अब आपसे बोल दे कि आप इसे कॉपी में लिखो, क्या लिखो? इसे कॉपी में लिखो, अपनी नोटबुक में। तो आप ऐसे नहीं ये डायरेक्ट लिख दोगे, इसका देखो ये रूल, इसका रूल है और आपको एग्जाम में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट नेम व्हेन यू टाइप इन अ योर व्हेन यू राइट इन योर नोटबुक। देखिए मान लीजिए मैंगो का लिखना है मुझे, किसका? मैंगो का, मैंगो का मुझे क्या लिखना है? साइंटिफिक नेम लिखना है। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंगीफेरा, एम ए एन जी आई एफ ई आर, मैंगीफेरा इंडिका। देखिए अब यहाँ से स्मॉल आ जाएगा इंडिका। अब आप एक चीज देखेंगे, मैंगीफेरा इंडिका जो हमने लिख दिया है, अगर आपसे बोले कॉपी में लिखो इसको, तो आप क्या करोगे? इस दोनों को ना सेपरेटली अंडरलाइन कर देना, तब आपका ये सही माना जाएगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या था कि पहला वर्ड जीनस डिनोट करता है, दूसरा स्पीसीज। जीनस का जो नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और स्पीसीज का स्मॉल से। दो रूल हो गए। तीसरा रूल क्या है? अगर हम इसे कंप्यूटर में लिखते हैं, कंप्यूटर से या टाइप करते हैं जैसे भी, तो कैसे, किस में लिखा जाएगा पूरा साइंटिफिक नेम? इटैलिक्स में। थर्ड रूल क्या है? अगर हम इसे कॉपी वगैरह में लिखते हैं, खुद नोट डाउन करते हैं, तो क्या करेंगे? हम सेपरेटली दोनों को अंडरलाइन कर देंगे, बाकी सब रूल वही रहेंगे। जीनस का जो नेम का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल रहेगा, और स्पीसीज का जो फर्स्ट नेम है, जो फर्स्ट लेटर है, वो कैसा रहेगा? स्मॉल रहेगा। गाइज आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह समझ लें, और मेरे हिसाब से अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। दोबारा देख लीजिए, जो नोमेनक्लेचर था वो क्या था? साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर बायोलॉजी की नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऑर्गेनिज्म बोल दिया। मतलब बायोलॉजी के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात होगी। ठीक है गाइज, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। अब इनका नाम कैसा है? साइंटिफिक नेम लिखेंगे हम इनका, कौन सा नाम? साइंटिफिक नेम। और ये आइडिया किसने दिया था? ये दिया था कार्लस लीनियस ने, मतलब इन्होंने सबसे पहले अप्लाई कर दिया था। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर क्या होता है? साइंटिफिक नेम के अंदर जीनस होता है और स्पीसीज होता है, और बाकी मैंने आपको रूल बताए थे रूल किस तरह से होते हैं, और एक बार आप अपनी बुक पढ़ लीजिए। ये चैप्टर यहीं पर खत्म है। इस चैप्टर में से आपको 3 से 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंथी है, इस चीज़ को आप समझिए। लेकिन ऐसा नहीं आप हार मान लो, नहीं हार मत मानो गाइज, इसको अच्छी तरह करने की कोशिश करो, आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत दम है। ठीक है, अपने आप को किसी से कम मत समझो, और अपनी सीट को पक्का करो, अच्छी तरह पढ़ाई करो गाइज। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।